हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना पढ़ने जा रहे हैं सेट 4 यूपी टीजीटी का पीजीटी एलटी ग्रेड सीएसआईआर नेट जेआरएफ सब्जेक्ट बायोलॉजी घटना चक्र। ये घटना चक्र आपकी 2022 की है, ठीक है। घटना चक्र प्रीवियस पेपर सॉल्ट बायोलॉजी चैप्टर 1 क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी क्लासिफिकेशन सेट 4। वर्गीकरण एवं सूक्ष्म जैविकी क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी, और उसका हमारा है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का 31st क्वेश्चन। आपका ये इस सेट में कंप्लीट हो जाएगा इस बार। टोटल 38 क्वेश्चंस थे, ये आपके क्लासिफिकेशन चैप्टर की लास्ट सेट है। 31st, वर्गीकरण की बेंथम एवं हुकर पद्धति है, ठीक है। प्राकृतिक पद्धति, फाइलोजेनेटिक पद्धति, कृत्रिम पद्धति, और इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में एक बार पढ़ते हैं। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नेचुरल सिस्टम पे बेस था। ये हम शुरू से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। नेचुरल सिस्टम पे ये बेस करता था, और जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम था उसके लिए आपके थे एंगलर, प्रिंटल और हचिनसन, और जो आर्टिफिशियल सिस्टम है आपका, आर्टिफिशियल के लिए लीनियस एंड थियोफ्रेस्टस। इसमें एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि ये किसके लिए थे। बीजीय पौधों के लिए थे, ठीक है। बीजीय पौधों मतलब स्पर्मेटोफाइटा के विभिन्न लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण की तीन पद्धतियाँ निम्न हैं। फर्स्ट है आपका प्राकृतिक पद्धति यानी कि नेचुरल सिस्टम, जो कि बेंथम एंड होकर ने दी। फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जो कि एंगलर एंड प्रिंटल ने दी और हचिनसन ने दी, और आर्टिफिशियल को लीनियस एंड थियोफ्रेस्टस ने दी। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। बेंथम एंड होकर ने एक काम और क्या किया था, एक बुक दी थी जिसका नाम था जेनेरा प्लेंट्रम, ठीक है। बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, जेनेरा प्लेंट्रम एक बुक भी इन्होंने दी थी, हमें याद रखना पड़ेगा जेनेरा प्लेंट्रम। और उसके बाद अगर हम बात कर दें हचिनसन की, तो हचिनसन ने द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट भी दिया था, ये भी हमें याद रखना चाहिए। लीनियस की अगर हम बात कर लें तो लीनियस ने भी तीन बुक दी, सिस्टमा नेचुरी, स्पीशीज प्लेंट्रम एंड फिलोसोफिया बोटानिका। ये पीछे के सेट में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन बार बार रिपीट करना ज़रूरी है ताकि ये हमें लर्न हो जाए, ठीक है। और भी अगर हम लीनियस की बात करें तो उन्होंने क्या किया था, द्विनाम पद्धति दी थी, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, आपको याद होना चाहिए। थियोफ्रेस्टस और इन्होंने क्या किया था, थियोफ्रेस्टस हमारे फादर ऑफ बॉटनी थे, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32, बेंथम एंड हुकर द्वारा किया गया वर्गीकरण है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, नेचुरल सिस्टम पे बेस था, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। 33 क्वेश्चन, बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति है, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है आपका, तो ये हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, यानी कि प्राकृतिक नेचुरल। 34 क्वेश्चन देखते हैं, बेंथम एंड हुकर की वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज है, ये नया क्वेश्चन हमें मिला। टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर, तो इनकी जो टोटल सीरीज हैं वो कितनी हैं, 21 है, ठीक है। आपको याद रखना है 21st इन्होंने सीरीज दी थी। सब इनके डिटेल पढ़ लेते हैं। बेंथम एंड हुकर ने बीज युक्त पौधों को द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटिलेडन्स, जिम्नोस्पर्म्स तथा एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोटिलेडन्स में विभाजित किया। इनके द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में कुल 21 सीरीज हैं, जिसमें से 14 सीरीज आपकी डाइकोटिलेडन्स की हैं और 7 सीरीज जो हैं आपकी मोनोकोटिलेडन्स की हैं। आपको ये याद रखना है कि 7 एक बीजपत्री हैं और एक बीजपत्री 7 हैं और द्विबीजपत्री उसी के डबल हैं 14, ठीक है। ऐसे आप याद रखते हैं, एक का 7 तो 2 का कितना होगा 14। वैसे इन्होंने कर दिया है कि 7 सीरीज एक बीजपत्री की और 14 सीरीज द्विबीजपत्री की थी। क्वेश्चन 35, पांच जगत वर्गीकरण, ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है हुइटेकर, फिर है कॉपलैंड, एडवर्ड्स, थाम्बे, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि हमारा राइट ऑप्शन क्या है, हुइटेकर है, और डिटेल में इसको बताया गया है। तो यहाँ नीचे से पढ़ लेते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, इसको भी याद रखिए, लीनियस ने दिया। कब दिया, 1735 में दिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, हेकल ने दिया 1866 में। फोर्थ की बात करें, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया, और फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया 1969 में। अच्छे से इसको याद रखिएगा। फिर से बात करते हैं, टू लीनियस ने दिया,
थ्री हिकेल ने दिया, फोर कॉपलैंड ने दिया और फाइव हिटेकर ने दिया। फिफ्थ वाला तो आपको याद होगा, लेकिन आपको नीचे के याद नहीं होंगे, तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। क्वेश्चन 36, वर्गीकरण पद्धति यानी कि सिस्टमैटिक्स जीवों की विविधता व उनके उद्विकासीय संबंधों का अध्ययन है। सिस्टमैटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई। सिस्टमैटिक्स शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस द्वारा किया गया। ठीक है, इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है कि ट्रू कौन सा इसमें है। तो यहाँ पे बात करते हैं, सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। द वर्ड सिस्टमैटिक्स हैज इट्स ऑरिजिन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। द वर्ड सिस्टमैटिक्स वॉज फर्स्ट यूज बाय कैरोलस लीनियस। अब इसमें से आपकी जो है घटना चक्र ने यहाँ पे एस्टेरिक वर्ड डाल दिया, यानी कि कोई भी आंसर नहीं बताया है, तो इसलिए हम भी इसको नहीं बताएंगे, आप लोग इसको खुद देखिए। ठीक है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इसको करिए। इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत जीवों की विविधता एवं उनके संबंध का अध्ययन किया जाता है, यानी कि डाइवर्सिटी की बात की जाती है। सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द है, ठीक है, लैटिन ने पीछे ग्रीक की बात की थी, तो यहाँ पे ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि लैटिन वर्ड है सिस्टेमा से ये आया है, इसका मतलब होता है जीवों का नियमित व्यवस्था। सिस्टमैटिक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस द्वारा ही किया गया था। इन्होंने सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक में, सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक में तथा जीवों के नामकरण हेतु बायनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ है, आप इससे खुद पढ़ के अपना आंसर देख लें, क्योंकि ये डिपेंड होता है, कुछ चीज़ें आयोग नहीं मानता है, आयोग अलग आंसर देता है और वो अलग आंसर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्टेरिक लगा है। 37, क्वेश्चन 37, वर्गीकरण की सर्वगत सबसे छोटी श्रेणी, क्लासिफिकेशन हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है द लोवेस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी इन यूनिवर्सल यूसेज। तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या होता है, डोमेन होता है, डोमेन के बाद किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, यानी कि सबसे छोटी हमारी क्या हुई, स्पीशीज़ हो गई। तो हमें पता है लोएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या है, स्पीशीज़ है, ये आपको भी याद रखना है। और इसको किस तरह से हमने क्लासिफाई किया है, डोमेन से स्टार्ट हुआ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। ठीक है, तो सबसे छोटी हमारी यूनिट क्या है यहाँ पर टैक्सोनॉमी कैटेगरी, लोएस्ट कौन सी हुई, स्पीशीज़, हाइएस्ट अगर कहेंगे तो डोमेन हो जाएगी। ठीक है, अब याद रखिएगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर जीनस एपिथेट और स्पीशीज एपिथेट बिल्कुल सेम टू सेम हो तो उसे क्या कहते हैं, टोटोनिम कहते हैं, पीछे हमने पढ़ा था, इसको भी याद रखिए। 38 क्वेश्चन है यहाँ पर, जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड। तो देखिए, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को कहते हैं इथोलॉजी। ठीक है, इथोलॉजी क्या है, एनिमल बिहेवियर पे काम करता है। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट के जो, यानी इंसेक्ट मीन्स कीटों का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। और इथोलॉजी क्या होता है, एनिमल्स बिहेवियर होता है। अब हमारे बच्चे दो, एक तो इकोलॉजी और इथनोबायोलॉजी। तो देखिए, इकोलॉजी क्या होता है, जीवों तथा वातावरण। ठीक है, एनिमल्स जो भी हैं और उनका जो एटमॉस्फेयर है उसमें जब आपस में इंटरेक्शन होता है उसे कहते हैं इकोलॉजी। और ये बच्चा आपका इथनोबायोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, व्यक्तियों, जीवों तथा वातावरण के संबंधों का अध्ययन, इनके आपस में तीनों के रिलेशनशिप, यहाँ पे जीवों और वातावरण का इंटरेक्शन हो रहा है और यहाँ पे व्यक्तियों, जीवों तथा वातावरण का जब बात होगा तो उसे कहेंगे इथनोबायोलॉजी। एंटोमो कीटों के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, इथो एनिमल्स बिहेवियर के लिए, इकोलॉजी सिर्फ जीवों और वातावरण के लिए, ये व्यक्तियों, जीवों और वातावरण के लिए। ठीक है, तो ये सारे आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आपका ये चैप्टर क्लासिफिकेशन जो था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट, उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।